स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बच्चों की इलेक्ट्रिक बाइक जो बैटरी से चलती है। इस बाइक में मैं बताऊँगा कि इसके सारे कनेक्शन जो है वो कट चुके हैं और इसकी मैं वायरिंग करके आपको दिखाऊँगा। तो वापस हम अपने वीडियो पे आते हैं और ये देखिए, ये मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ये हब है, इसके अंदर मोटर लगी हुई है और मोटर जो है पिनियन से जुड़ी हुई है। और ये पिनियन में होता है क्या कि इस पिनियन से जो एक रड निकलती है जो आर पार जो निकल जाती है और ये दोनों, ये जो रड है दोनों चक्के में फिट हो जाती है, जिसके कारण हमें डायरेक्ट फोर्स मिलता है इस व्हील को, इस व्हील, इस चक्के को डायरेक्ट फोर्स मिलता है, जिससे हमारा जो है ना आगे पीछे हमारा जो है बाइसाइकिल मोटरसाइकिल जो है ये हमारा घूमता है। तो ये देखिए मैंने इसे लगा दिया है क्योंकि इसकी जो कनेक्शन जो है वो पूरी कनेक्शन कट चुकी है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना चूहे ने अपने दांतों से इसे काट दिया था। तो हम इसकी वायरिंग करेंगे, है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस इसकी एक हब जो है ना, हब इसमें से गायब है तो वो मुझे ला कर देगा, मैं हब को सारा कुछ इसमें डाल दूँगा। एक तरह से कहिए तो इंजन, तो मैंने इसमें वो डाल दिया है मोटर। अब हम आते हैं अपने बेसिक कनेक्शन पे। तो मैंने कनेक्शन निकाल लिया, ये जो वायर वो देख रहे हैं ये मोटर की है और लाइट की, तो मैंने सारे के सारे लाइट को है डिसकनेक्ट कर दिया। इससे हमें होगा क्या, हमारे तो एक बैटरी बचेगी और दूसरा झंझट भी नहीं रहेगा हमें कनेक्शन करने का लाइट का। तो आइए हम चलते हैं अपने इस पर। तो ये देखिए ये कनेक्शन वायर है, इसमें एक स्विच लगी हुई है और स्विच का काम है आगे पीछे करना। इस स्विच से अगर आप आगे करते हो और नीचे पाँव के पास जो पैंडल के पास जो है आप एक्सीलेटर दबाते हो तो ये आगे बढ़ेगी, और अगर स्विच को आप पीछे की ओर करते हो और उसके बाद पैंडल पे जो है एक्सीलेटर पे आप प्रेस करते हो तो वो पीछे जाएगी, बाकी हैंडल तो वही है। तो इन सभी कनेक्शन को मैं बारी बारी से करूँगा, मैं बस इसे ऑन करने वाले कनेक्शन ही इसे चालू करूँगा, बाकी जो इसकी म्यूजिक है, लाइट है, बैक लाइट, पैनल लाइट, सोलर और ये साइड लाइट और इसे म्यूजिक भी दी गई है, वो सारे के सारे जो है ना मैं उसे डिस्कनेक्ट कर दूँगा। बस हमें इसे ऑन करना है, यानी कि इसे चालू करना है कि ये बाइक, ये मोटर बाइक जो है चल सके। तो चलिए सबसे पहले हम इस कनेक्शन को देखते हैं, क्योंकि इसमें 6 पिन वाली स्विच लगी हुई है, बीच में न्यूट्रल है और आगे पीछे कनेक्शन है। तो आपको हमेशा से ध्यान रखना है कि हमें अर्थ जो होता है हमारा सारा जगह मूव करता है, तो हमें इसमें इस केस में ये देखना है कि हमारा जो मेन तार है लाल तार वही हमारा कटआउट में लगा होता है, बाकी सब जगह अर्थ है। तो अर्थ का हमें कोई झंझट नहीं है, जो है हमें पॉजिटिव समझना है। तो पॉजिटिव के लिए मैं आपको बता देता हूँ, रेड और पीला इसमें लिया गया है, तो इस तरह से तार है और तार हमें खोजने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि जिस चूहे ने जो काटा था तार तो वो जड़ से नहीं काटा था, वो जो है ना बीच बीच से काट जाता, जिसे हमें खोजने में कोई परेशानी नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई लेकिन हमने उसे निकाल लिया और अब मल्टीमीटर से हमने उसे चेक भी कर लिया। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ मल्टीमीटर से मैं किस तरह से इसकी वैल्यू को निकाला था कि कौन सा वायर कहाँ है, क्योंकि हमें इस तरह से हम पता नहीं चल सकता है, पर हम मल्टीमीटर की सहायता से इसे हम देख सकते हैं। तो मेरा ये मल्टीमीटर है ये YX3600 है, यानी कि ये काफ़ी हैवी मल्टीमीटर है, क्योंकि आम मल्टीमीटर आपको देखने को मिल जाएगा YX360, लेकिन ये YX3600 यानी कि ये 3600 है मॉडल नंबर, और ये काफ़ी ही बढ़िया एनालॉग मल्टीमीटर कहलाता है। तो चलिए आगे की प्रक्रिया हम देखते हैं। तो हमने सभी तारों को सही कर डाला है, अब हम इसके तार को करेंगे क्या, इसे हम छील देते हैं। छीलने के बाद जो कनेक्शन जो बची हुई है हम उस कनेक्शन को कनेक्शन कर डालते हैं, क्योंकि मैंने ब्लू में ब्लू जोड़ दिया है, क्योंकि सारी तार जो है ना बीच से ही कटी हुई थी और कुछ तार जो है जो अंदर से कटी हुई थी, तो उसके लिए हमें कोई परेशानी नहीं है। हम उस तार को देख कर हम कलर कोडिंग के हिसाब से इसकी कनेक्शन कर डालते हैं ताकि हमें टाइम बचेगा। अगर कलर कोडिंग अगर आपको नहीं मिल रहा हो और कनेक्शन काफ़ी ख़राब और जर्जर स्थिति में हो तो आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, आपको मीटर का प्रयोग करना पड़ेगा। मीटर से आपको बहुत सहायता मिलेगी आपको जानने में कि स्विच का कनेक्शन कौन है, बैटरी का कनेक्शन कौन है और मोटर का कनेक्शन कौन है। और फिलहाल मैं बता दूँ
ये 6 वोल्ट 5.5 एम्पियर वाली बैटरी से चलती है, मात्र 6 वोल्ट। और इसकी जो आरपीएम वैल्यू है वो मुझे पता नहीं है। आरपीएम वैल्यू की मैं अगर बात करूँ तो आरपीएम तो मुझे पता करना पड़ेगा क्योंकि ये आरपीएम कितनी स्पीड से चलती है, पर ये है कि उतनी भी खास स्पीड नहीं है इस बाइक की, फिर भी ये एक बच्चे के लिए बहुत ही अनुकूल है। और मैं बता दूँ मेरे घर में भी ऐसी बाइक रखी हुई है जो कभी रिपेयरिंग होने के लिए मैं खुद रिपेयरिंग करता हूँ, इसलिए मुझे कनेक्शन के बारे में सारा कुछ पता है और कैसे क्या करना है। अगर आपको दोस्तों अगर कनेक्शन नहीं भी मालूम है तो आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। बस इसमें करना क्या है कि इसकी जो 6 पिन वाली जो है स्विच को, उसे आप ध्यान से देखना। उसमें करना है ये कि आपको मोटर का जो एक तार जो होता है वो अर्थ होता है, वो अर्थ को आपको हर जगह नचा देना है, उसे स्विच पे मत रखना है। यानी कि हमें नेगेटिव जो है हमेशा नचा के रखना है और पॉजिटिव को स्विच से काटना है। तो हमें बीच में क्या करना है, बीच में बैटरी से डायरेक्ट पॉजिटिव डाल देना बीच वाले कनेक्शन पर, तो वो हमारा समझिए एक तरह से निटोर हो जाएगा, आगे भी काम करेगा और पीछे भी। तो बीच में मैंने पॉजिटिव वाले कनेक्शन को कर डाले हैं। आपको मैं कैमरा जूम करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने रिकॉर्ड के टाइम में इतना सेटिंग नहीं किया था, और वॉइस भी मैं अलग से डाल रहा हूँ ताकि आपको मैं अच्छी तरीके से समझा सकूँ। तो मैंने बीच में जो है ना बैटरी की डायरेक्ट लाइन जो है इसमें इनपुट कर डाली है, और यहाँ से जो निकलने वाले जो है वो मैंने स्विच से वो मोटर पर दे डाली है, क्योंकि मोटर पर से हमें 2 ही तार आया है, लेकिन हमें वो 3 कनेक्शन कर डालने हैं, क्योंकि एक तार जो है हमारा डायरेक्ट नेगेटिव से मोटर पे गया हुआ है और दूसरा जो पॉजिटिव है वो हमें स्विच से डालना है। तो अगर हम आगे का प्रेस करते हैं बटन और पैर के पास जो वो पुश बटन है उससे हम पुश करते हैं तो उससे हमारा आगे की ओर बाइक स्विच चलेगा। तो इसी तरह से सारा का सारा कनेक्शन जो है इसी पे है, निर्भर है। तो स्विच जो है तो आप जानते ही हैं वो आगे और पीछे करने के लिए है। अगर पीछे अगर प्रेस करते हैं तो पीछे की ओर बाइक जाएगी, और आगे की ओर अगर बटन करते हैं तो वो आगे की ओर जाएगी। तो इसी तरह जो है हमने सारे कनेक्शन कर डाले हैं और देखते हैं कनेक्शन होने के बाद आगे की पड़ाव। तो वापस से हम अपनी वीडियो पे आते हैं और चलते हैं एक बार और अपने तारों के कनेक्शन पे। तो ये देखिए मैंने सभी को सही कर डाला है, जिसका जहाँ जो कनेक्शन है मैंने वहाँ कनेक्शन कर डाले हैं, और बाकी जो बचे हैं वाइट्स उसे भी मैं सही कर देता हूँ। मुझे पता है आपको ये वीडियो बहुत बोरिंग लग रही होगी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी बनी है और हम इसमें एक ही चीज़ दिखा रहे हैं, बस वो वायरिंग, बाकी अलग कुछ नहीं। लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम आपको दूसरा चीज़ भी दिखाने जा रहे हैं इसका। ये तो आपको इंटरफेस दिख रहा है, अब इसका हम फेस दिखाएंगे, ऊपर का सीट कवर और बहुत सारे कनेक्शन। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए मैंने इसे पलटा दिया है क्योंकि मैंने सारे कनेक्शन करने के बाद इसकी जो है बैटरी की जो वायर है वो मैं निकाल दिया हूँ। यहाँ देख सकते हैं 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। इस बैटरी में हमारा जब कनेक्शन होगा तो, और साइड में एक चार्जिंग पिन है चार्ज करने के लिए। तो चलिए हम इसे हम ये कवर को सही करते हैं, और ये मैंने लगा देता हूँ इसका। ये बॉडी को थोड़ा फिट करने में थोड़ी परेशानी तो है क्योंकि मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इसे खोलने के लिए, क्योंकि इसमें जो है स्क्रू बहुत कम है और ये ज़्यादातर ये जो है ना लॉक पर बेस है। तो हमें लॉक को बहुत ही ध्यान से और आराम से हमें इसे निकालना है, अगर हम कुछ गलती कर बैठते हैं तो हमारा लॉक टूट जाता है। और स्क्रू के नाम पे बस इसमें 2 स्क्रू है जो हमारे किसी काम का नहीं आएगा अगर तो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक और सावधानी से हमें इसे फिट करना है ताकि हमारा प्रॉपर तरीके से लॉक बैठ जाए, ताकि हमें कोई परेशानी ना करना पड़े।
तो मैं इसकी देख रहा हूँ लॉक को लगाने, क्योंकि एक साइड से जो है ना बहुत अच्छी तरीके से बैठ जा रही है, पर दूसरी साइड से मैं आपको दिखा दूँ राइट साइड से ये हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहा है, जिसके लिए मुझे बार बार खोलना पड़ रहा है। तो इस तरह से कहीं भी हो सकती है कोई अंदर में वायर जो है ना दब गई होगी, जिसके कारण हमारा लॉक बैठ नहीं रहा। ऐसा अक्सर होता है, कोई अगर चीज़ अगर आपका कवर नहीं हो पा रहा तो आप साइड में या उसके स्क्रू लगने वाली या लॉक लगने वाली जगह को आप देख सकते हैं। अक्सर ऐसे जगह पे जो है ना कुछ आकर फंस जाता है, जिसके कारण हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो कुछ मैं इसे पलटा कर भी देखता हूँ कि कहीं कुछ फंसा तो नहीं है, पर मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। तो ये लॉक जो है ना, वो लॉक थोड़ी सी जो है ना दूसरी जगह लगी हुई है, तो मैं इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं इसे फिट करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, थोड़ी सी गलती के कारण ये मेरा ऊपर का जो है नीचे आ गया है, और देखिए मैं फिर इसे बिठाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी मुश्किल हुई थी इसे खोलने में। मैं आपको खोलने वाला वीडियो नहीं दिखा पाया, लेकिन मैं आपको टाइट करने वाली वीडियो दिखा रहा हूँ। मुझे काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो चलिए हम फिर से एक बार कोशिश करते हैं, और इस बार हम कोशिश करेंगे कि ये हमारा अच्छी तरीके से लॉक बैठ जाए और हमारा जो मोटरसाइकिल है बच्चे वाली वो सही हो जाए, क्योंकि सारे कनेक्शन कर डाले हैं और देखना है कि इस बैटरी में अभी जान बाकी है कि नहीं। चलिए हम इसे चार्ज करके भी देखेंगे।